स्क्रीन पे एक देश देख रहे हैं। इस देश का नाम है ईस्ट तिमोर और जिस तरीके से इसे बनाया गया है उसे लेकर बांग्लादेश की पीएम ने एक बड़ा ही सनसनीखेज आरोप लगाया है और इन्होंने कहा है कि जैसे ईस्ट तिमोर बना है वैसे ही बांग्लादेश म्यांमार को तोड़कर बनाने की कोशिश हो रही है एक ईसाई देश की। हालांकि बहुत सारी चीजें इन्होंने कह दी है, कुछ ये भी कह रहे हैं कि भारत बांग्लादेश और म्यांमार तीनों के थोड़े थोड़े टुकड़े मिलाकर इस नए देश की संरचना का प्लान चल रहा है। अब कौन ये प्लानिंग कर रहा है, क्यों ऐसा कुछ हो रहा है और पीएम शेख हसीना ने इस खुलासे के बाद हड़कंप ला दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के खजाने में ताबड़तोड़ वृद्धि हुई है। तीन हफ्तों से भारत के खजाने में क्या चल रहा है, जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह सीआईएस न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने एक बयान दिया है और इस बयान में कहा है, नाम नहीं लिया है कि कौन सा देश है, लेकिन इन्होंने कहा है कि एक देश है जो मुझसे चाह रहा है कि उनके एयरबेस को स्थापित करने के लिए मैं अनुमति दे दूं। जब चुनाव का समय था तब उस देश ने कहा था कि अगर मैं अनुमति दे दूं तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। इन्होंने कहा कि एक बंदा मुझसे मिलने आया और उसने इस बात को रखा। फिर इन्होंने कहा कि बांग्लादेश म्यांमार से कुछ हिस्से लेकर पूर्वी तिमोर जैसा एक ईसाई राज्य बनाने की साजिश चल रही है। हालांकि इन्होंने भारत का नाम लेने से परहेज किया। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि एक श्वेत व्यक्ति ने बांग्लादेश में 7 जनवरी को हुए चुनाव में बिना किसी पश्चिमी देश के परेशानी के उन्हें जीतने में मदद करने की पेशकश की थी और इसके लिए उन्होंने शर्त दी थी कि इसके बदले उन्हें एक विदेशी देश को बांग्लादेश में हवाई अड्डा स्थापित करने की इजाजत देनी होगी। हालांकि शेख हसीना ने उस श्वेत व्यक्ति और उसकी नागरिकता को लेकर कोई खुलासा नहीं किया। अब लोग कह रहे हैं कि कौन है वो देश जो ऐसा चाह रहा है और क्या है ईस्ट तिमोर का फंडा। तो आपको बता दें, स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये एक द्वीप था ईस्ट तिमोर, बाद में इसका नाम रखा गया। इस द्वीप की कुछ हिस्सेदारी इंडोनेशिया के पास थी और कहा जाता है कि कुछ पर ऑस्ट्रेलिया दावा करता था। इस इलाके को 2002 में स्वतंत्र घोषित कर दिया गया और इसे एक देश का नाम दे दिया गया और इस देश का नाम पड़ा ईस्ट तिमोर। यहाँ पर कैथोलिक धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। इसी ईस्ट तिमोर को लेकर बांग्लादेश की पीएम ने संकेत दिया कि ऐसा ही कुछ करना चाह रहा है एक तीसरा देश। हालांकि तीसरा देश से ऐसा लगता है, एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये शायद अमेरिका को कह रही हैं। अमेरिका ने हाल फिलहाल में बांग्लादेश की राजनीति में कुछ ज्यादा ही दखल देना शुरू कर दिया है। बांग्लादेश के लोकतंत्र को लेकर अमेरिका बार बार उलाहना दे रहा है और न सिर्फ इतना, कभी ये बैन कभी वो बैन लग रहा है। चुनाव के समझ में तो समझ में नहीं आ रहा था कि अमेरिका को चाहिए क्या। अमेरिका बांग्लादेश के ऊपर टूट पड़ा था पर फिर भी बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार आ गई। अब शेख हसीना का कहना है कि वो ऐसा ही कुछ चाह रहा है, लेकिन कहाँ पे चाह रहा है उसकी भी बात करेंगे। पर उससे पहले आप समझ लीजिए इन्होंने आगे क्या कहा कि अगर मैं किसी देश को बांग्लादेश में एयरबेस बनाने की इजाजत देती हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, ये कहा गया। हालांकि उन्होंने नाम नहीं बताया। कई सालों से जून 2023 में ढाका में एक अफवाह फैली थी और कहा गया था कि अमेरिका सरकार से यानी बांग्लादेशी सरकार से ये मांग रही है कि आप हमें सेंट मार्टिन द्वीप दे दीजिए। अब अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा था कि नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं हुई है, ये सब कोरा बकवास है, ऐसा उनका कोई इरादा नहीं है। लेकिन बांग्लादेश के संसद में इस चीज को लेकर एक बहस भी हुई थी और इस बहस के दौरान बांग्लादेश की वर्कर्स पार्टी के अध्यक्ष राशिद खान मेनन ने आरोप लगाया था कि संयुक्त राज्य अमेरिका सेंट मार्टिन द्वीप के पीछे पड़ा है और नई अमेरिकी वीजा नीति
नीति शासन में परिवर्तन की रणनीति का हिस्सा है। अमेरिका सेंट मार्टिन द्वीप चाहता है और वो अमेरिका ये भी चाहता है कि क्वाड में बांग्लादेश भी शामिल हो जाए। उस वक्त ये कहा गया कि अमेरिका अस्थिर करना चाह रहा है सरकार को। 19 जून 2023 को भी इसी तरह के आरोप लगाए गए। यहाँ पर भी कहा गया कि आखिरकार अमेरिका इतना ज्यादा अति उत्साह में क्यों है, बार बार बांग्लादेश के लोकतंत्र के बारे में सवाल क्यों उठा रहा है, क्या उसे सेंट मार्टिन द्वीप चाहिए। उन्होंने भी ये आरोप लगाया था और कहा था कि बांग्लादेश पर वर्चस्व पाना चाह रहा है अमेरिका। मार्टिन द्वीप को लेकर अमेरिका पर पहले भी सवाल उठते रहे हैं। साल 2003 में तत्कालीन अमेरिकी राजदूत मैरी एन पीटर्स ने मीडिया की उन अटकलों को खारिज कर दिया था कि अमेरिकी सेना सुदूर मध्य पूर्व के बीच कहीं तैनाती के लिए ढाका से एक सैन्य अड्डा पट्टा लेना चाहती है। अब अमेरिका ऐसा क्यों चाह रहा है, इसके पीछे कई बातें कही जा रही है। कहा जा रहा है कि खास तौर पर ये वो इलाका है जहां पर ऐसे लोग हैं जो ईसाई धर्म को मानने वाले हैं या फिर कन्वर्टेड हैं, जो ईसाई धर्म में अपने आप को बदल चुके हैं। दूसरी बड़ी चीज, इनकी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। कहा जा रहा है कि दरअसल ये जो चाह रहे हैं वो ये है कि यहाँ पर उन्हें एक बेस बनाकर इस इलाके को कंट्रोल करना चाह रहा है। हालांकि अलग अलग तरह के तथ्य कहे जाते हैं, बहुत सारी चीजें कही जाती है, इसलिए इस मामले को लेकर जितनी गहराई में जाएंगे उतनी तरह की बातें निकल कर मिलने लगेंगी। कुकी समुदाय को लेकर, इजराइल को लेकर बहुत सारी चीजें ऐसी निकलने लगती है। पर फिलहाल के लिए बांग्लादेश की पीएम ने ये जो क्षेत्र है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इस क्षेत्र की बात वो कर रही हैं, इस द्वीप की बात कर रही हैं जिस पर वो कह रही हैं कि कोई देश है जो यहाँ पर एयरबेस बनाना चाहता है। वैसे ये भारत के लिए भी सही नहीं होगा, इसलिए सही नहीं होगा कि आज का अमेरिका कल दोस्त रहेगा या नहीं रहेगा, कहना मुश्किल है। वैसे इस इलाके में अभी तक शांति है, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय खजाना ने ताबड़तोड़ वृद्धि की है और खजाने की रफ्तार देखकर तो अभी बहुत सारे देश चिंता में पड़ गए होंगे, क्योंकि दुनिया भर में आर्थिक मंदी का साया है। पर इन सब के बीच में भारत के फॉरेक्स रिजर्व में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है और भारत का फॉरेक्स रिजर्व 648 बिलियन डॉलर के पास पहुंच गया है। लगातार तीसरे सप्ताह भारत के फॉरेक्स रिजर्व में ये बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हालांकि विशेष ये मान रहे हैं कि इन समयों में आरबीआई ने जिस तरीके से संभाला है पोजीशन को वो, और दूसरी बड़ी चीज ये है कि यहाँ पर एक्सपोर्ट में भी भारत की वृद्धि देखने को मिली है। स्मार्टफोन की बात करें तो चौथा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन चुका है भारत। वहीं दूसरी तरफ कॉफी जैसी चीजों में भी भारत के एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी देखने को मिली है, जो इस वक्त पूरी तरीके से भारत के पक्ष में जा रही है और फॉरेक्स रिजर्व भारत का स्टेबल हो रहा है। ये हालांकि भारत के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे ये होगा कि भारत की स्टेबल अर्थव्यवस्था को देखकर निवेश भी ज्यादा आएंगे। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।